सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर प्लीज वेलकम एक लड़की जिसका नाम को गूगल करो तो सजेशंस में पहले तीन वर्ड्स आते हैं हॉट किस बिकिनी एंड इट लुक्स लाइक इस बात से वो कंप्लीटली वाकिफ है यू न्यू दिस इज व्हाट कम्स अप नो आई जस्ट फाउंड इट रियली फनी हॉट किस इन बिकिनी दो तीन ये जो तीन शब्द है आई नेवर एसोसिएटेड विद माय सेल्फ हॉट और समर और किस या बिकिनी मतलब नेवर पर आजकल तुम बिकिनी में बहुत नजर आती है बहन दे ताली कल के बहुत एक शॉट कर दिया नहीं नहीं बहुत बहुत अच्छा शॉट है बट लेट मी आल्सो वेलकम आई मीन लेट मी वेलकम एक जनाब जिनकी आगे सिर्फ सभ्य चीजें लिख कर आती हैं ऑन ऑनलाइन यू विल ओनली फाइंड सभ्य चीजें अबाउट हिम दो लड़कियां प्रेफर करती कि एटलीस्ट आपके नाम के आगे सभ्य चीजें हां हां आपने कुछ सभ्य सभ्य चीज क्या होती है सभ्य मतलब मतलब इट्स लाइक ऑल प्योर काइंड ऑफ नहीं नहीं आपके नाम के बाद नथिंग लाइक ये हॉट बिकिनी वो हो जाएगा कुछ नहीं मतलब ओ गॉड फवाद खान ने तो मैं पूरे कुर्ते मोड से उनको उतारनी चाहिए मतलब आई कांट सी द कुर्ता व्हाट माय कुर्ता उतारने की कोशिश कर रहा हूं मेंटली प्लीज वेलकम द सेक्सी सोनम कपूर एंड द रीसेंट टाइम्स में टीवी देखने वाली हर औरत का फेवरेट फवाद खान सो सोनम कपूर हैज बीन हियर बिफोर एज यू नो फवाद प्लीज हम आपसे हमारे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जानना चाहेंगे ऐसे मतलब गुंडों की तरह लड़के लड़कियां सब मतलब चढ़ गए हावी हो गए डांस करवाया प्लीज टेल अस और आप बैठ गए व्हाट मैं बैठ गया हां तो बस मैं मुझे लगता है कि मैं बैठा ही अच्छा हूं नहीं नहीं ऐसे मतलब बट लिसन आपने बहुत सारे रेडियो इंटरव्यूज किए हैं मुंबई में नहीं मुंबई में नहीं मुंबई में नहीं दिस माय फर्स्ट Oh my God, we're breaking his seal. Yeah. Oh my God. I thought you meant to say something else. Anushka, मुझे आपके गंदे गंदे ख्याल जो है ना ये ना तुमने मेरे दिमाग में डाला इस फिल्म के ट्रेलर में ही मैंने देखा कि फवाद को देखकर तुम्हारे माइंड में गंदी चीजें आती हैं। हाँ, फवाद नहीं विक्कू को विक्कू तुम्हें देख के गंदे गंदे ख्याल आ रहा है लिसन कौन से एंगल से प्रिंस नहीं दिखता तुम्हें इवन इन लाइक जीन्स एंड व्हाटएवर दिस इज वेयरिंग लाइक लुक एट हिम ही हैज गॉट द एयर ऑफ लाइक नहीं नहीं पर वो एक डायलॉग था ऐसे पर है ना जेन बिल्कुल प्रिंस नहीं लगते हो पर लगता तो है ना मतलब फुल मिल्स एंड बून्स मटेरियल से मार फुल मिल्स एंड बून्स एंड हाउ ना हां ना चिसल फीचर्स एंड ब्रूडिंग क्वाइट टाइप एंड लाइक हाउ इज जस्ट सिटिंग थ्रू दिस क्या मैं क्या करूं आप बहुत जमीन पे लोटपोट हो जाता है मैं बहुत क्या कर सकता नहीं मुझे पता है आप आदि हैं इस बात के कि बहुत सारी लड़कियां आपको देखकर पागल हो जाती हैं पागल हो जाती हैं फिर हॉट बिल्कुल याद नहीं बिल्कुल याद है मैं सुना है कि आजकल मेरी जितनी फैन बेस है वो 50 एंड अबव है वो इन चश्मों की वजह से एंड बिलो है आई स्वेयर आर 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 फैन फॉलोइंग इज सो ऑपोजिट दैट्स ट्रू जवान लड़कियां तो दूर दूर भागती हैं नो इन एक शॉट में मुझे बूढ़ा कहती है हर जाई नहीं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां फैन हैं और आजकल क्या है कि आप टीवी पे बहुत नजर आने लगे हैं माशाल्लाह तो मतलब मैंने आपको व्हेन आई हर्ड दिस वर्ड फवाद फीवर बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ खूबसूरत मैंने कहा चेक तो किया जाए कौन है फिर मैंने देखा क्या अलग अलग लुक्स है भाई कभी शेव करता है कभी दाढ़ी रखता है कभी उतार देता है कभी पहनता है मतलब यू नो इट इज वेरी कूल फवाद टेल अस हाउ आर यू फीलिंग इन मुंबई इज इट डिफरेंट क्या आप इस पागलपन के एटलीस्ट आदी हैं इफ नॉट तो चलो यहां के पागलपन का तो मैं आदी नहीं हूं जो यहां पे चल रहा है बट आई थिंक इट्स अमेजिंग नहीं आई मीन दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट यू गाइस गॉट अ ग्रेट गिग गोइंग हियर बट मुंबई जो है आई थिंक इज एन अमेजिंग सिटी ब्यूटीफुल सिटी मजा आ गया देख के सीरियसली करेक्ट स्पेशली फवाद एज यू माइट नो ऑफ कोर्स यू प्रोबब्ली नो शाहरुख खान की शुरुआत तो टेलीविजन से ही हुई थी क्या आप पॉपुलैरिटी आई एम नॉट मतलब वैसे टाइप का हो सकता है मतलब टेलीविजन से इतनी पॉपुलैरिटी जनरली मैंने बहुत लोगों की देखी नहीं है आपके हैं माशाल्लाह सो मैं आई एम रियली सरप्राइज्ड मैं आई एम प्रीटी शॉक्ड एक्चुअली बिकॉज़ या दैट्स ऑल आई कैन से बिकॉज़ मुझे नहीं समझ आया कि क्या अभी भी बैठ के एसेस करता हूं कि ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से इट्स वर्क सो वेल बट देन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक एक आ चीज होती है कभी कभार टाइमिंग इतनी अच्छी हो जाती है कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर सबके सब मिलके इतना अच्छा काम कर देते हैं दैट इट शाइन्स
बट फिर ऐसा भी हुआ है कि लानत मलामत भी हुई है. When you've done bad projects. What did you just say? लानत मलामत. Oh my God. लानत मलामत है मुझ पर. कमी शब्द कहे. Tell us three things जो आपने सोनम. But first tell us क्या आप Bollywood बहुत ज़्यादा देखते थे, देखते हैं? Are you मतलब आप अनिल कपूर की पिक्चरें देख चुके हैं, for example? हाँ. He remembers dialogues and all. What things? Come on, lights, camera. She's just pulling my leg. I'm telling you, I've grown up watching a lot of Bollywood films, or like the 3-4 films जो के एक मैं उस VHS के ज़माने से हूँ जब VHS जो है rental पे मिलती थी और वापस करते थे. तो चार ऐसी फिल्में थी जो के मार के रख ली थी, वापस नहीं की. उनमें से एक थी मिस्टर इंडिया. मिस्टर इंडिया. I know it. दो और दो पांच और सत्ते पे सत्ता दी. So these like three films were like something that I could watch. Rewind forward. Again and again. But उसके बाद जो I guess थोड़ा सा I was not watching it as frequently. And then अभी recently जो I think it started picking up again. But हाँ, मतलब I've seen a fair share of films, but I've not been an avid follower. और आप इसमें तो प्रिंस प्ले कर रहे हो ना? किसका रेफरेंस किया आपने? Over the top Prince. हमने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म से इंस्पिरेशन लिया है, तो मेरा नाम इसमें मिली है, ऋषिकेश मुखर्जी कैरेक्टर, एंड किरण खेर का नाम मंजू है. तो हमने बहुत इंस्पिरेशन लिया है बिकॉज शशांक के हिसाब से, मेरे हिसाब से आजकल क्या हो जाता है कि अगर आपको एंटरटेनिंग फिल्म बनानी है तो बहुत ही एंटरटेनिंग हो जाती है कि उसमें स्टोरी नहीं रहती, या अगर आपको स्टोरी के साथ फिल्म बनानी है तो कोई मर रहा है कि कोई डिप्रेस्ड है या कुछ ऐसे बहुत डार्क सी फिल्म. जैसे रंजना, विच इज अमेजिंग, बहुत अच्छे ड्रामेज होते हैं, पर वो बीच का जो पाथ है जो ऋषिकेश मुखर्जी बनाते थे या विजय आनंद जी बनाते थे, ऐसी फिल्म्स बहुत कम आते हैं आजकल. मे बी राजू हिरानी मेक्स फिल्म्स लाइक दैट, विच आर एंटरटेनिंग, विच आर हैप्पी, विच आर शाइनी, और एक स्टोरी भी है. ये फिल्म बहुत ही पॉजिटिव कमर्शियल फिल्म है, पर एक कहानी है. द आइडिया बिहाइंड इज दैट हाउ इम्पॉर्टेंट फैमिली इज, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू बी योर सेल्फ. एंड तो हमें It's a fairy tale at the same time. And I think Goody was like that. Yeah. Khoobsurat was like that. Yeah. They said something beautiful in the films, but at the same time, it was happy. It was a happy ending. Everything was hopeful and positive. Okay. Sonam, tum is picture mein, you are called a royal misfit. I think that is the toughest role yet hoga na, kyunki tum to royal fit ho. Tumse zyada royal fit koi hai nahi. So you are supposed to be royal misfit in this. Is industry mein koi agar... इस इंडस्ट्री में अगर कोई मिसफिट नहीं है वो मैं हूँ. मतलब रॉयल्टी के लिए, मतलब आप जानते हैं सोनम पहली बार हमारे स्टूडियो में ऐसे कैजुअल जीन में एक बार आई थी तो फुल मुझे लगा था केक चल के चला है. यानी बहुत सुंदर थी, एक ऐसा व्हाइट ड्रेस और एक मतलब वेरी स्टाइलिश, वेरी मतलब मेरे को लगा वाओ यार ये रेडियो स्टेशन ऐसे आती है, सोचो रैंप पे कैसे चलेगी, मतलब इतना मजा आता है इनको देखने में. एक क्राउन की कमी है बस लाइक दैट. तो ऐसे आती है सोनम हमारे स्टूडियो में, तो शी इज डेफिनेटली, दिस मस्ट हैव बीन वेरी टफ. किरदार के बारे में अगर हम बात करें तो आई थिंक जनरली डिस्पाइट व्हाट आई वेयर और द काइंड ऑफ फैमिली आई कम फ्रॉम, आई थिंक मैं आई डोंट फिट इन दिस इंडस्ट्री. जैसे मैं जैसे मेरा एटीट्यूड है, मेरा बर्ताव जैसे है, तुम जैसे बोलती हो, जितने बार तुम्हारा फुट मुंह में चला जाता होगा मुझे कोई और किसी और का नहीं जाता. आई जस्ट इट्स जस्ट द वे आई एम. शी इज टोटली कूल. हां, एंड आई एम क्लमजी एंड आई डू द रॉन्ग थिंग्स and I don't conform. So I think in a lot of ways, Aisha ke baad kya ho gaya tha, a lot of, I guess we did our job very well because a lot of people started thinking that I'm a spoiled brat with my father's credit card. And you have to tell us, come on. No, so, and I'm not that. So my sister was just like, ki, I feel ki now it's time to play something which is exactly like who you are. And I didn't know they would go to that extent where unhone meri life ki do teen instances bhi is film mein dali. I'm like, for example, I'm not gonna tell you. No, no, I can't. Acha, trailer mein hai kya, itna hi bata do. Ha, ek hai trailer mein.
एक पार्ट है ट्रेलर में, वही वाला होगा जब तुम सारी चीजें गिरा के अंदर आती हो, दर 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 कर। वो भी एक पार्ट है, पर था इंसान तो मरिष्का, ये बात नहीं कि you know me very well, so you could point out one or two instances where I've fallen all over, but thanks, okay. Yeah, so there are one or two instances. I can name one. There's a sequence where I'm drinking wine with. Only Hindi में बोलना. हाँ, तो एक sequence है जहाँ मैं wine पी रही हूँ फवाद के character के साथ. हाँ, FK के साथ. फवाद के character के साथ और there is something बहुत ही similar मेरी life में हुआ था है actually. तो good experience. There was a good experience, but दो तीन जैसे कि there's a spate of breakups that I've gone through in the film. One or two of them are very similar to what happened to me. इनको कहाँ से पकड़ा, क्योंकि ऐसे टाइप के तो आपके लाइफ में नहीं। फिर वाला बाहर में बस यहाँ पे। नहीं मतलब। I think in a lot of ways we're blessed to have got Fawad on our film. ये बहुत by chance की बात है। Basically क्या हो गया था कि we had almost signed on someone for the film. हाँ, तो हमने किसी को almost signed on कर दिया था फिल्म के लिए और उन्होंने कहा कि हम दो तीन महीने में शुरू करेंगे, विच इज फाइन विद अस, पर वो एकदम फिट नहीं हो रहा था. तो हम लोग दूसरे एक्टर्स को भी देख रहे थे एंड बहुत सारे जो इंडियन आंटियां हैं वो फवाद की बहुत बड़ी फैंस हैं. ये एक रिसर्च के दौरान हमें पता चला. और नहीं तो मेरी मम्मी की दो सहेलियां हैं, एक है मेहर आंटी जो लंदन में रहती है एंड एक है पमी आंटी जो बॉम्बे में रहती है. ओके, और दोनों ने कहा कि यू नो ये एक शो आता है. और लेट्स सी, ये कौन सा वाला, 1 2 3 जिंदगी गुजारे. तो ये शो आता है तो बहुत हॉट है, दारुन. हाँ, बहुत ही हॉट है. क्या कि बहुत ही हॉट है, वो किसी को भी रोमांस कर सकता है. सो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन किसी को भी, किसी भी चीज को. हां, वो अटैच ऐसे, वो दे सेड कि वो एक चेयर को भी रोमांस कर सकता है. आई सेड ये मेरा इंसल्ट हो रहा है, मेरा. दे वर लाइक हां बहुत ही है. तो हमें देन वी गॉट अ पिक, थोड़ा और डिसिप्लिन इंसान होगा जो कि चेयर को भी मतलब नहीं, पर रियल लाइफ में तो बड़े इंटेंस लगते हो यार. मतलब क्या, ये नहीं इंटेंस बिल्कुल नहीं है. He's like a fun guy, very fun. पर तो वी तो हमने उनको वी गॉट इन टच विद हिम और फिर हम मेरी दूसरी बहुत ही अच्छी सहेली है परनिया कुरेशी. तो परनिया लाइक ही सो हॉट, लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड. आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इट फील्स लाइक व्हाइल यू आर सिटिंग हियर एंड लिसनिंग टू दिस. हां, आगे बोलो. तो आई वाज लाइक अच्छा मतलब क्या हो गया मेरी. देन रिया लाइक मतलब सब लोग इतने पागल हो रहे हैं तो वी हैव टू चेक हिम आउट. चेक यू आउट, कैसा फील हो रहा है आपको? बिल्कुल नंगा. ओह माय गॉड. अच्छा यार, मुझे बताओ तुमको ट्रेलर में गंदे ख्याल क्यों आ रहे हैं? व्हाट इज दिस गंदे ख्याल? हाउ दे ट्रीटिंग यू लाइक दिस फैंटेसी आइटम बॉय लाइक दैट. आई मीन लाइक ऑल द गर्ल्स आर वेरी टेरिबल. आई थिंक यू शुड जस्ट लाइक टेक ऑफ योर शर्ट नाउ. या Why don't you just put in a coin first? Let the curtain go up. I'll do my dance for 5 minutes and then you can put another dollar. Dollar! Dollars mein chalega. Dollars. Imported maal hai. अच्छा, real life में कौन से type के मर्द देखकर तुम्हें गंदे ख्याल आते? Like clean shaven, scruffy, stylish, mature, intelligent. That's it. You're everyone's type, yeah. Yeah. Intelligent is very, very sexy. Geeky, uh-huh. Intelligent. So tell us 3 things that you've learned about him during this shoot. Matlab that people, and see, he's a new entrant into Bollywood or bahut sare log hai who are very curious about him apart from the dashing good looks and all that. So what? Maine kabhi aisa dekha nahi ki jiske paas itni willpower ho. Bahut willpower. Agar wo unka man, if he's decided ki mujhe yehi karna hai, to wo karke dikhayenge. And very silently. और दूसरी बात क्या है इनके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं? लोग इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, तुम कुछ भी बोल दो लोग सुन लेंगे. मेकअप सब इनका टेस्ट म्यूजिक में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा. गाते भी तो है ना? हाँ, गाते हैं.
You are a singer. My research says so. Your research is completely wrong. No, you are a singer. Don't lie. Lie so much. Haan, no. His taste music mein bahut acha hai. And very courteous, thorough gentleman. So we figure the chair ko bhi romance kar sakta, that's out. Nein, bahut hi courteous. And it's a very different. Maine bahut sare interviews mein kaha hai ki I have worked with only boys. This is the first time I've worked with a man. Oh my god, gosh! यार फवाद, तुम उस कुर्सी में अब तक तुम पिघले कैसे नहीं? आधे दो चार इंच तो कम हो गए होंगे. नहीं, but it's true यार. I think I've worked with all the boys or I've grown up with all of them, ना? तो even if they're married and all of them, they're boys. They're like buddies. He's a मतलब quite hot यार. Okay, tell us के hot लड़की कैसे बोलेंगे उर्दू में? Hot लड़की. चिकनी है यार, और क्या बोले. ओके, फाइनली बम डोले को उर्दू में कैसे बोलेंगे? बम डोले, हाँ, अंजन की सिटी में मारो बम डोले. डोलता तो है, उर्दू में भी डोलते हैं, लेकिन उर्दू में बम नहीं होती, तशरीफ डोलती है. So, तशरीफ डोलेगी. तशरीफ डोले. तुम शादीशुदा हो यार फवाद? बिल्कुल शादीशुदा. यार ऐसे 17 की उम्र में प्रपोज करना, मतलब दैट्स व्हाई ही इज ओल्डर देन ही इज ना. 17 में ही हैड ऑलरेडी रीच्ड अ स्टेज. तो मतलब आप सच्ची शादीशुदा हैं, मतलब आप हैं और आप दुनिया को बता रहे हैं? झूठ में है. मैंने ये सारी जितनी भी तस्वीरें, अगर हैं भी तो वो सारी फोटोशॉप हुई हैं. बेचारे दो ऐसे लोग हैं अनफॉर्चूनेट से, जिनकी मैं मतलब बेटा भी है. अच्छा, मैं डर गई थी. दो ऐसे लोग की सारी तस्वीरें. सो यस, continue to keep breaking hearts. We'd love to see you do whatever it is that you do. Sonam Kapoor, khoobsurat mein tumne jo maine trailer dekha uske hisab se, it looks like you are going to be killer once again. I love what you're doing. I love how you're saying. I love the Bum Dole song. Who choreographed you usme? Firoz Khan. Oh, acha, Firoz Khan. Bahut acha hai. Thank you very much for coming.